News 18, India. आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है। आज वो पश्चिम बंगाल के कोचबिहार में रैली करेंगे और इसके बाद दो दिन आराम करेंगे। इसके बाद 28 और 29 तारीख को अलीपुरद्वार और सिलीगुड़ी में रैली करने वाले हैं। इसके बाद राहुल बिहार में एंटर करेंगे अपनी यात्रा लेकर के। उधर ममता बनर्जी ने कह दिया है कि उन्हें राहुल की यात्रा बंगाल पहुंचने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 29 तारीख तक के पश्चिम बंगाल में रहेगी और इसके बाद वो बिहार पहुंचेंगे। पूरा रूट हम आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री जिस तरीके से इस पर बयान देते रहे, लेकिन अब कांग्रेस ने जिस तरह का रूट बनाया है, 28 जनवरी को अलीपुरद्वार पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी होंगे, 29 जनवरी को सिलीगुड़ी में होंगे और ममता बनर्जी, हालांकि उन पर भड़की हुई है कि जानकारी नहीं दी गई, 29 जनवरी को ही बिहार पहुंच जाएगी राहुल गांधी की यात्रा और 30 जनवरी को पूर्णिया में होंगे राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर। 31 जनवरी को राहुल गांधी कटिहार पहुंचेंगे और यात्रा आगे बढ़ाते दिखाई देंगे। 1 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा बिहार के अररिया जिले में दाखिल हो जाएगी। इधर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनकी मोहब्बत की दुकान में केवल नफरत का सामान ही उपलब्ध है। पूरे देश और विश्व में भगवान श्री राम अयोध्या पधार रहे और असम में पत्थर फेंके जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लाठियां लगाई जा रही हैं। ये इनका भारत जोड़ो है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इनके मोहब्बत के दुकान में केवल नफरत का सामान है। और एक बड़ी खबर इस वक्त की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअली जुड़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो नव मतदाता सम्मेलन में नए मतदाताओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नई दिल्ली में बीजेपी ऑफिस से कार्यक्रम में जुड़ते दिखाई देंगे।